हरे कृष्णा बच्चों। तो आज हम अपने बिजनेस स्ट्रेटेजिक्स की क्लासेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा, अभी तक लास्ट क्लासेस में अगर हम बात करें तो मूवमेंट्स का हम समझ चुके थे। मूवमेंट्स से रिलेटेड हम फोर मूवमेंट्स, जिसको म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री एंड म्यू फोर कहते हैं, बट मीन के हेल्प से सेंट्रल मूवमेंट भी इसको हम कहते हैं। अब आज की क्लासेस में हम अज्यूम्ड मेथड से करेंगे क्वेश्चंस को। रॉ मूवमेंट कहते हैं इसको हम। तो रॉ मूवमेंट बेसिकली हमारे पास में फॉर्मूला वही रहेगा, पहले मीन माइनस करते थे, अब यहां पर हम ए माइनस करेंगे। ए आपके ऊपर आप को क्या नंबर अज्यूम करते हो, और अपॉन एन, ये आपके पास में अगर आप म्यू वन निकाल रहे हो तो वन, म्यू टू निकाल रहे हो तो टू। चलिए एक क्वेश्चन ऐसे करें, आप जरा ए आप कुछ भी कंसिडर कर लीजिए, आपके पास में ये सीरीज एक इंडिविजुअल सीरीज है, सिक्स 10, 11, 12 एंड 16। आप यहां पर A इक्वल्स टू 13 कह रहा है फॉर द सेट ऑफ द नंबर। अब आपके पास में A है तो आपके पास में एक x डेटा है, तो x माइनस A कर दीजिए, और A आपके पास में 13 है तो 13 माइनस करेंगे आप यहां पर तो 7, 13 माइनस करेंगे तो माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1 एंड 13 माइनस करेंगे तो आपके पास में आएगा 3, एक्स माइनस ए। अब आप इसका म्यू 1 निकालने जा रहे हैं तो आपके पास फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, इंडिविजुअल सीरीज है, तो आप म्यू 1 कैसे निकालेंगे, समीशन एक्स माइनस ए अपॉन एन, और 1 है तो 1, तो समीशन ऑफ x माइनस ए कैलकुलेट करेंगे आप तो आपके पास में 7, 3, 10 और 2, 12 और 1, 13 और ये माइनस का 10। सॉल्व करेंगे म्यू 1 के लिए तो माइनस 10 अपॉन 1, 2, 3, 4, 5 इक्वल्स टू माइनस 2। ये बात समझ में आपको आई या नहीं बताइए जरा, आप कर सकते हैं क्वेश्चंस को, करो। म्यू टू निकालो, म्यू थ्री, म्यू फोर कर लेंगे बच्चे। म्यू टू का फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, म्यू टू का तो वही समीशन माइनस ए इसका स्क्वायर अपॉन एन। बच्चे वो हैंड रेज मत करो, अगर कोई बात कहनी है तो कमेंट कर दीजिए, मैं देख रहा हूं आप कमेंट सेशन को, चैट पे नजर है मेरी आपकी। यहां सॉल्व करेंगे तो x माइनस ए का स्क्वायर चाहिए हमें, तो x माइनस ए का स्क्वायर कैसे आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 49, स्क्वायर करेंगे 9, स्क्वायर करेंगे 4, स्क्वायर करेंगे 1, स्क्वायर करेंगे 9। सॉल्व करेंगे 9, 18, 4, 22, 23 और आपका 7, 30 और आपका 2, 32, 3 और 4, 7, 72। तो म्यू टू इक्वल्स टू 72 अपॉन एन 5। सॉल्व करेंगे 5 एकम 5, 2, 5 चुक 20 एंड 5 चुक 20, 14.4। सिमिलर आप यहां पर म्यू 3 निकाल सकते हैं, समीशन x माइनस ए की पावर 3 अपॉन एन। अब आप x माइनस ए की पावर 3 कैसे निकालेंगे बताएं जरा। तो इसको ये दो, ये इसको तीन बार चाहिए, दो बार है और एक बार ये रहा, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। 49 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 343 माइनस 27 माइनस 8 माइनस 1 27। क्या आपका रिजल्ट आएगा, 343 प्लस 8 प्लस 9 कर दो माइनस 352। म्यू 3 इक्वल्स टू माइनस 352 अपॉन 5,
पांच सत्ते पैंतीस, जीरो पांच बीस, माइनस 70.4, क्लियर है। तो अब इसी तरीके से आप म्यू फोर निकाल सकते हैं। म्यू फोर कैसे, म्यू फोर के लिए क्या करेंगे आप एक्स माइनस ए की पावर फोर, तो पावर तीन तो है, एक बार और चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको, है ना, 343 मल्टीप्लाई बाय 7। अच्छा एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं बस, बाकी चीज तो बहुत जल्दी खत्म करने वाली चीजें हैं कि आपको पता लग ही गया है, पर चलिए एक एक क्वेश्चन करवा देता हूं, एक बार हो जाएगा तो हो जाएगा आपका। 27 मल्टीप्लाई बाय 3 81, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, और 1 81 सम करते हैं 2401, 2401 प्लस 343 इंटू में 7 करना था ना, 343 इंटू 7 21, ठीक है 2401। चौबीस जीरो एक प्लस 81 प्लस 16 प्लस 82 2580। तो बस म्यू फोर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2580 अपॉन 5, 25, 5 कम 5, 5 31, 516, ठीक है, क्लियर है। तो ये समझ में आ गया। अब आप इसमें क्या करेंगे, यहां पर आपका a 42 लेना है और बस कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले x माइनस a लेके उसको f से मल्टीप्लाई कर देना है आपको, म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर, कैलकुलेट करो जरा, करिए कैलकुलेट। डन, चलिए देखिए जरा, हाँ जी बच्चे, कोई सिमिलर क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, म्यू वन आप निकालेंगे, समीक्षण क्या कर रहे थे अभी तक आप, एक्स माइनस ए कर रहे थे, वन है तो वन लगा रहे थे, अपॉन एन कर रहे थे, एन यहां पर तो एफ है तो एन की जगह सिग्मा एफ ले लेता है, बस एक एफ लगा तो पहले एक्स माइनस ए तो आपको निकालना ही है, तो एक्स माइनस ए। अब बच्चे एक्स माइनस ए अगर आप निकाल रहे हैं तो आपके पास में क्या रहेगा, ए क्या है हमारा, ए बता रखा 42 है, तो 42 तो माइनस 22 माइनस 12 माइनस 42 माइनस 2 माइनस 42 8 माइनस 42 18 माइनस 42 28, ये आ गया हमारा x माइनस a, ठीक है बच्चे। फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 10 और 10 20, 3 दो 5 और 6 60, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और क्या चाहिए मुझे, x माइनस ए नहीं चाहिए, मुझे f से भी मल्टीप्लाई करना है, तो f x माइनस ए चाहिए, तो अब यहां पर इसको f से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 इंटू 8 176, 12 इंटू 12 144, 20 इंटू 2 40, 10 इंटू 8 80, 18 छक्के 108, 28 इंटू 4 112, ये क्या हो गया हमारा x माइनस ए। तो म्यू वन में समीशन ऑफ f इंटू x माइनस ए, ये माइनस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा, पहले प्लस वाली कर लेते हैं, 112 प्लस 108 प्लस 80 प्लस 40 माइनस 144 माइनस 176
20 सॉल्व करेंगे इसको, तो 20/60 3.33। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? -1 होना चाहिए यार, ये तो मल्टीप्लाई में गलती कर दी हमने शायद, देख लेते हैं। -40 और मैंने +40 ले रखा था, तो 40 इसमें +112 प्लस, क्योंकि 40 का वो घटाना है और 40 ये घटाना, 80 माइनस करना पड़ेगा इसमें से, -60 आएगा। -60 तो सॉल्व करेंगे आप, -60/60 इक्वल्स टू -1। चलिए म्यू टू निकालते हैं, तो म्यू टू का आपका फॉर्मूला रहेगा एफ एक्स माइनस ए और इसके ऊपर 2/summation F। अब एक्स माइनस ए है तो होल पावर 2 नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर पावर 2 चाहिए मुझे, चाहिए बस एक्स माइनस ए, इसके ऊपर पावर 2 चाहिए, तो ये एक बार तो है ही ना, एक बार और इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, तो क्या जाएगा एक्स माइनस ए रिच पावर 2 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 176/22 3872, 144 को नंबर 1728, 40 को ना 2 80, 64, 108 गुना 18 1944, 112 गुना 28 31 36। क्लियर है बच्चे? अब आपको समीशन करना है इसका, 31 36 प्लस 19 44 प्लस 640 प्लस 80 प्लस 1728 +3872, तो समीशन करेंगे आप 11400, और वही आपका म्यू टू क्या आ जाएगा, 11400/60 डिवाइडेड बाय 60, तो म्यू टू आपका आ गया 190। और सिमिलर आप फिर निकाल लेंगे बच्चे, हो जाएगा अब आपका म्यू थ्री, म्यू थ्री के लिए क्या फॉर्म लगाओ गया, समीशन एफ तो रहेगा रहेगा, एक्स माइनस ए की पावर 3 हो जाएगी और अपॉन समीशन एफ हो जाएगा, एफ एक्स माइनस ए। अभी हमारे पास में एक्स माइनस ए का स्क्वायर है ना, और एक्स माइनस ए है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री एट सेवन टू मल्टीप्लाई बाय 22,
एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा बच्चे, इससे नहीं होगा, एक्स माइनस ए से, क्योंकि एक्स माइनस ए के पावर 3 चाहिए। 1728, 1728 मल्टीप्लाई बाय 12, एटी मल्टीप्लाई बाय 2, 160, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, 640 मल्टीप्लाई बाय 8, 640 मल्टीप्लाई बाय 8, 5120 एंड 1944, 1944 मल्टीप्लाई बाय 18, 31392, 31 36 मल्टीप्लाई बाय 28, 87808 प्लस 3139, 3139 टू प्लस 5120, 5120 और माइनस 160, माइनस 20736, करो बच्चे इसको समय एक बार। थ्री फोर डबल नाइन टू आएगा यहां पर, टू 87808 प्लस, देख लेते हैं, 21840, म्यू थ्री इक्वल्स टू 21840 अपॉन सिग्मा एफ 60। तो सॉल्व करेंगे, 2184 डिवाइडेड बाय 6, 364। ठीक है बच्चे, तो 364 इसका रिजल्ट आया। ऐसे ही आप म्यू फोर निकाल सकते हैं, कैसे करेंगे आप, एफ एक्स माइनस ए रेज टू पावर 4, तो ये 3 है ना, वही 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो बहुत अच्छा खासा रिजल्ट आएगा। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, क्लियर है, ये आपका टास्क है। अब कंटिन्यूस सीरीज में कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये कल वाली चीजें रिपीट हुई हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, एक चीज दो बार हो गई है। फिर ये बता देता हूँ, मेरे काम में बताना हर सीरीज में, तो वो काम तो मैं करूंगा ही। अब मिड वैल्यू निकालेंगे पहले इसका, तो मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, 10 में से 20 गया 5, यहाँ पे 10 में से 20 का डिफरेंस कितना आता है, 10 और डिवाइडेड बाई 2 5, और 10 का गैप है तो 15 25 35, मिड वैल्यू सम डिवाइडेड बाय 2 होता है 45। ठीक है, 30 15 25, 15 आएगा ना सम डिवाइडेड बाय 2, 35 45 एंड 55 एम एन। अब आपको क्या करना है, एम माइनस ए कर देना है, और ए क्या है 35, तो 35 माइनस करोगे माइनस 20, 35 माइनस करोगे माइनस 10, 0 10 20, क्लियर है। अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको एक काम कर सकते हो, आप चाहो तो आप ये भी कर दो, खैर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप एम माइनस ए हो गया या एक्स माइनस ए हो गया, बात बराबर ही है, इंटू आप एफ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा और छोटा करना चाहते हो ना आप, उसको आप यू लिख सकते हो, यू कैसे, एम माइनस ए करा था, थोड़ा छोटा करना, जैसे कि पीछे क्या हो गया दिक्कत, देखो पीछे तो नंबर थोड़े बड़े हो गए ना,
तो मैं चाहता था मैं इसको थोड़ा छोटा कर सकता था कि मेरे लिए कैलकुलेशन आगे आसान हो जाए, तो एक काम और कर सकते हो आप, मैं वो बता रहा हूँ, डिवाइडेड बाय एच कर सकते हो, जिसको हम क्या बोल देंगे, इसको आप यू बोल दो, एच में 10 ले लो, तो 10 लोगे आप तो -2 -1 0 1 और 2, बस ये थोड़ी आसान हो जाएगी। अब क्या करो आप, एफ यू कर दो, अगर आपने डिवाइड करा तो आप लगाओ ना म्यू का फॉर्मूला, म्यू वन वही एक्स माइनस ए था ना, तो एक्स माइनस ए आपको मैंने यू नाम दे दिया उसको, तो समीशन एफ यू अपॉन समीशन एफ, ठीक है बच्चे, और ये यू रेस्ट टू पावर 1 होगा। तो अब आपके पास में यू आ गया ना, अब एफ यू निकालते हैं, तो 15 2 -30 20 इंटू 1 -20, ध्यान रखिएगा, लेकिन यहां पर मैं मल्टीप्लाई बाय एच भी कर दो आप, क्यों एच करोगे, सबको डिवाइड नहीं करते तो वही सिमिलर पीछे वाला फॉर्मर रहता, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। तीस एक और 20 -20 0 एक और 10 10 और 10, तो 20 20 -30, तो म्यू 1 -30 अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ क्या है आपका, 15 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 15 80, तो क्या करूं 80 और इनटू 10, म्यू 1 इक्वल्स टू -3.75, क्लियर है बच्चे। इसी तरीके से अब आपके पास में म्यू 2 का आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, वही आपके पास में समीशन एफ यू रेस्ट टू पावर 2 अपॉन सिग्मा एफ करना है, तो यू रेस्ट टू पावर 2, एफ यू तो है ही बट एफ यू रेस्ट टू पावर 2 चाहिए मुझे, तो बस यू के ऊपर पावर 2 के लिए यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, दिस वन, तो क्या आ जाएगा 60 प्लस का 20 0 10 20, सॉल्व करेंगे 80 90 110, बस 110 अपॉन में 80 और इनटू आपको एस तो करना ही पड़ेगा 10, 110 बटा 80 बटा 8 13.75, क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया। अच्छा सॉरी, यहां पर एक चीज होगा, एच का स्क्वायर है ना, स्क्वायर होगा ये 100 होगा, 3 में 3 हो जाएगा, ये आंसर रहेगा, क्लियर है बच्चे 137 पॉइंट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम जो है मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपका मीन तो कैसे निकालते हैं पता है, मोड क्या होता है पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको बता चुका हूँ, मीन माइनस मोड इक्वल टू एक अपना स्पेसिफिक कुछ फॉर्मूला आप यहाँ पर पढ़ना शुरू करोगे, फॉर्मूले की शीट्स बनाइए, क्वेश्चन तो आप कर दोगे, आपको करने का तरीका आ गया है, बट फॉर्मूला पता होना चाहिए आपके पास में, कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में स्क्यूनेस से रिलेटेड हम कंप्लीट करेंगे, बहुत लेंथी सिलेबस है भाई ये सिलेबस, ऐसा है जिसको कम से कम 1 साल भी कम पड़ जाएंगे, और आपको पता नहीं सेमेस्टर 6 महीने में कैसे डाल दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ तो छोड़ देते भाई, कुछ तो आगे पढ़ने के लिए छोड़ देते, पीएचडी जिसको स्टैट्स में करनी हो वो उसको क्या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, उसको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, जिसको स्टैट्स में पीएचडी करनी है उसको इसी को रिवाइज करना है, क्योंकि उसका खत्म ही हो जाती है स्टैट्स, तो कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने भाई साहब ने। चलो कोई नहीं, देखते हैं बच्चे कैसे सिलेबस पूरा करेंगे लास्ट के 10 दिन में। मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लासेस में, कल डे हमारा सैटरडे है, कल हो सकता है कल क्या करूं मैं आपके साथ में बताओ, मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी का आपका जो कल टेस्ट लिया था आज उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देता हूं,
मेजरमेंट ऑफ संडे अटेंडेंस को और रिवाइज कर लो अच्छे से, मीन, मीडियन, मोड, परसेंटाइल, डिसाइल, ये सब अच्छे से रिवाइज कर लो। और इसके साथ साथ में आप ये रिवाइज कर लो, कल इसमें से क्वेश्चन का और टेस्ट ले लूंगा मैं आपका, ठीक है? मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लासेस में।